अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक घिसाई को लेकर। नेक घिसाई हम कब देंगे? तो सर्वाइकल पेन की कंडीशन में देते हैं, जब सर्वाइकल में स्टिफनेस हो, सर्वाइकल पेन हो, हाथों में दर्द हो, चक्कर आते हो, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? सबसे पहले जरूरी यह है कि देखना है, पेशेंट को सीधे बिठाना है और गर्दन की मतलब गर्दन के ऊपर देना है। नेक घिसाई है, पाउडर को अच्छे से चारों तरफ लगा देना है, जैसे यहां लगाना है, यहां भी लगाना है, पूरी गर्दन में चारों तरफ से पाउडर लगा देना है आपने। और इसके बाद में ध्यान करना, जो स्टेप्स मैं इधर दोहरा रहा हूं वो मैं इधर भी दोहराऊंगा, तो इसलिए आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स मैं यहां दोहराऊंगा उनको यहां भी दोहराता हूं, ठीक है? तो पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, 15-16 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब सेम इसी भाग को, इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करेंगे, 1, 2, ठीक है, 15-16 बार इधर रब करेंगे। इसके बाद में ये जो पार्ट हमारा मैसेज साइकिल का, इसको भी 15-16 बार रब करेंगे। और 15-16 बार हम इस एरिया को भी करेंगे, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद में ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है, इसको भी 15-16 बार रब करेंगे ऊपर से नीचे। और हम हथेली से रबिंग कर रहे हैं, हथेली से रबिंग कर रहे हैं, तो ध्यान करना 15-16 बार इस तरीके से हमने रब करना है। ये वन एक प्रोसेस ये हो गई, जब हमारा ये कंप्लीट हो गया सारा का सारा, इसके बाद अंगूठे को नीचे रखना है और यहां से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि आपने क्लॉकवाइज करा इस तरीके से, घुमाते हुए ऊपर की तरफ आना है, यानी कि अपने स्कल की तरफ आना है, जहां हमारी हड्डी खत्म होती है स्कल की, फिर यहां से ऊपर से नीचे की तरफ भी आना है। तो ये दो प्रोसेस हो गए, यानी कि हमने पहले इसको रबिंग करा पूरी गर्दन को चारों तरफ से, इधर से रबिंग करा, फिर क्लॉकवाइज करते हुए यानी कि नीचे से रब करते हुए अंगूठे की मदद से ऊपर की तरफ गए, ऊपर से रबिंग करते हुए नीचे की तरफ आए, है ना? और इसके बाद में हमने इस तरीके से गर्दन को पकड़ना है और पीछे की तरफ खींचना है, 1, 2, 3, 4। तो ये पीछे की तरफ हमने रबिंग करना है, ये हमारी नेक घिसाई कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पहले रबिंग करना है, फिर इधर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ आना है रबिंग करते हुए, फिर इसका गर्दन को आराम से पकड़कर पीछे की तरफ खींचना है। ये नेक घिसाई है, नेक स्टिफ है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक क्लॉकवाइज। नेक क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये भी पॉइंट हम तब देंगे जब नेक में स्टिफनेस हो, नेक में पेन हो, मसल्स स्टिफ हो, तो उस कंडीशन में हम सामने खड़े होकर लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करेंगे और ये तीन उंगलियां मिलाकर जहां जहां ये स्कल है यानी कि ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के चारों एरिया से यानी कि ऊपर से शुरुआत करेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे और क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि यहां रखा ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है बिल्कुल जहां से हमने शुरुआत करी थी उसके बराबर में ओवरलैप ही हमने रखना है, फिर क्लॉकवाइज करना है एक जगह पर, एक या दो बार क्लॉकवाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर इसके बराबर में, लेकिन हर बार वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारी स्कल खत्म हो रही है, क्लॉकवाइज करना है, है ना? इसको हर बार क्लॉकवाइज करना है, जहां से हमारे पॉइंट्स, जहां से हमारी स्कल खत्म होती है वही क्लॉकवाइज करना है, और जहां तक शोल्डर खत्म होते हैं यानी कि हमारे शोल्डर ब्लेड जो खत्म होते हैं यहां तक लेकर जाना है, क्लॉकवाइज करना है, ऊपर से शुरुआत करके क्लॉकवाइज नीचे तक लेकर आना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे तक लाना है, क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर से नीचे लाना है, पूरा और हर बार करना है।
पूरा करना है और हर बार करना है क्लॉक वाइज। पूरा गर्दन को कवर करते हुए हमने क्लॉक वाइज करना है। ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करना है। ये हमारा क्लॉक वाइज हो गया। इसको हम बोलते हैं नेक क्लॉक वाइज, यानी कि यहां से शुरुआत करके पूरा एरिया हमने कवर करते हुए आराम आराम से ये करना है। ये बॉडी की स्टिफनेस को, यहाँ की स्टिफनेस को, गर्दन की स्टिफनेस को, पेन को रिलीज करने में ये मदद करता है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाएगी तो आपको पेन आएगा, तो इसको रिलीज करने का तरीका ये है। इसके बाद है टाइलिंग का पॉइंट। टाइलिंग का मतलब है सलाइवा कैसे बनता है। अगर किसी का सलाइवा ना बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम खड़े होने बैठ टाइलिंग का पॉइंट देंगे और सलाइवा बनाने का काम करते हैं। कई लोगों का मुंह सूखा सूखा रहता है, थूक नहीं बनता है, सलाइवा नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में हम इसको देंगे। हम ये सामने खड़े होकर देंगे, तो आप ये एक तरफ से देखना और दोनों तरफ से आपको उसी प्रोसेस को दोहराना है। इस तरीके से आपने हाथ रखना है और यहां से हल्का हल्का क्लॉक वाइज करते हुए, हल्के हल्के क्लॉक वाइज करते हुए कंप्लीट करना है। पीछे तक जाना है, कान के पीछे तक जाना है। हमने ये ध्यान करना है, ये पॉइंट कान के पीछे खत्म होगा। यहां से शुरुआत करते हुए क्लॉक वाइज करते हुए कान के पीछे पर ये पॉइंट खत्म करना है। क्लॉक वाइज करते हुए ये तीन बार दोहराना है और ये कान के पास में खत्म होगा। तो ये हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये एरिया क्या है, सलाइवा प्रोडक्शन का एरिया है, तो यहाँ पर सलाइवा बनाने का काम करता है, ये टाइलिंग का पॉइंट करता है। अगला पॉइंट नेकलेस है। नेकलेस का मतलब है कि हम गर्दन से निकलने वाली नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। नेकलेस देने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को समझने खड़े हुए यहाँ बैठ जाओ। ये ध्यान करना है, ये तीनों उंगली मिलाकर आपने करना है, और जहां हमारे गर्दन खत्म हो रही है, मतलब ये जो हमारी स्कल है, जो हड्डी है, जहां खत्म होती है, ये नेकलेस का एरिया कहलाता है। ये नेकलेस का एरिया है। तीन उंगलियों को मिला लीजिए और लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज करना है और जॉइंट पे करना है, जहां हमारी हड्डी खत्म हो रही है वहीं पर क्लॉकवाइज करना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, ओवरलैप करते हुए जाना है, उठाकर नहीं रखना है, यानी कि बीच में गैप नहीं छोड़ना है। क्लॉकवाइज करते हुए लेफ्ट साइड से शुरुआत करकर राइट साइड पर खत्म करेंगे और पूरी स्कल को कवर करेंगे। ये नेक क्लॉकवाइज है, यानी कि नेकलेस देने का तरीका है। दूसरा नेकलेस देने का तरीका है कि हम अंगूठे से यहां पर इन्हीं पॉइंटों पे जहां हमने क्लॉकवाइज कराया वहां पर प्रेस करें। दोनों हाथों से करते हैं, जहां ये प्रेशर है वहीं इधर भी प्रेशर है। दोनों अंगूठों से एक साथ प्रेशर दिया, 2 सेकंड का होल्ड करा, 1 2, फिर ओवरलैप करते हुए बिल्कुल बराबर में ही, 1 2 बिल्कुल बराबर में, 1 2 बिल्कुल बराबर में प्रेस देना है, 1 2 1 2 बिल्कुल बराबर में प्रेशर देना है, 1 2 1 2 1 2 और लास्ट में लाकर जो अंगूठा आपका है ये खत्म कर रहे हैं। ये एक बार दे सकते हैं, ये नेकलेस दोनों तरीके से एक बार दे सकते हैं। एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को ज्यादा की जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दे सकते हैं, यानी कि एक बार जब कंप्लीट करते तो एक नेकलेस कंप्लीट है आपका। लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो उसे 3 बार तक भी दिया जा सकता है। दोनों तरीके से दे सकते हैं, दोनों तरीके से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और दोनों तरीके से ही हम इसको भी दे सकते हैं, है? तो नेकलेस हमने 3 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं एट ए टाइम, और मिनिमम 1 बार तो देना ही है। ये भी नर्व की स्टिफनेस को दूर करता है, यहां से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और खून का दौरा आपकी नसों को तेज कर देता है। इसके बाद है ब्रॉडमैन एरिया 17-18 की साइड। ब्रॉडमैन एरिया 17-18 की साइड, ये भी नेक में अगर दर्द है, स्टिफनेस है, सिर दर्द है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा है। साथ में ये देते हैं हम लोग जब हमें नींद नहीं आ रही हो, यानी कि नींद की समस्या हो, तो भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे देते हैं? ब्रॉडमन एरिया 17-18 डिसाइड क्या है? इस ब्रॉडमन क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, इस खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा और उस हिस्से का एक एक नाम नंबर दे दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15, ये 16, इस तरीके से। तो हमारा पॉइंट है 17-18 घिसाई। तो 17-18 जो घिसाई है वो ये एरिया आता है, यानी कि 17 और 18 ये दो हिस्सों को जब हम घिसाई करते हैं तो ये कहलाता है ब्रॉडमन एरिया 17-18 घिसाई। तो इसको कैसे रब करते हैं, दोनों एक मुट्ठी को बंद कर लीजिए और यहां से ऊपर से 15-16 बार नीचे रब करना है। पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है, पहले 17 एरिया को करना है, फिर 18 एरिया को करना है, पहले 17 एरिया को करना है 15-16 बार और फिर 18 को करना है। इसके बाद फिर इस तरीके से भी इसको रबिंग करना है। कई लोगों को नींद नहीं आती तो ये नींद लाने के लिए भी अच्छा पॉइंट है, जिसको हम ब्रॉडमन एरिया 17-18 बोलते हैं। यानी कि पहले 15-16 बार ऐसे रब किया हमने, ये पूरा रब किया और 15-16 बार इस तरीके से रब किया, तो ये ब्रॉडमन एरिया 17-18 कंप्लीट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम नींद लाने के लिए कर सकते हैं, नेक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए कर सकते हैं और बहुत रिलैक्सिंग अच्छा पॉइंट है रिलैक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है हैमरिंग का पॉइंट। हैमरिंग का पॉइंट या स्पीच का पॉइंट, ये दोनों एक ही नाम है, यानी कि इसको स्पीच का पॉइंट भी बोला जाता है और इसको हैमरिंग का भी पॉइंट बोला जाता है। जब किसी की स्पीच चली गई हो और उस समय पर जब उसको पैरालिसिस हो तो उस समय पर ये स्पीच का पॉइंट देंगे, या किसी को स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम हैमरिंग का पॉइंट देंगे। लेकिन ये पेशेंट के रूमाल की मदद से इसका इस्तेमाल करिए। रूमाल है तो, रूमाल नहीं है तो हम कैसे देंगे, तो टिश्यू पेपर लगा सकते हैं और ये केवल और केवल लेफ्ट साइड में देंगे। ध्यान देना ये राइट साइड में नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारा स्पीच का एरिया जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। स्पीच का एरिया ये जो एरिया है ये इनका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ही इनका जो एरिया होगा वो स्पीच का एरिया होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ही हमने कवर करना है, लेफ्ट साइड में ही कवर करना है, राइट में कभी भी स्पीच का एरिया नहीं होगा। तो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके मैं एक बार ऐसे हमने रूमाल को रखना है और इसके लिए स्पेशल हैमर आता है। बहुत सारे क्लिनिक पर उस हैमर का इस्तेमाल किया था, रबड़ का होता है, थोड़ा हार्ड रबर होती है और उसको टिक 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 हमने उसको रबिंग वो करनी है, हैमर करना है, हथौड़े की तरह मारना है। अगर हैमर नहीं है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, बंद करनी है और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है इससे हमने हिटिंग करनी है। पहले हमने बड़ा एरिया को कवर करते हुए, बड़े एरिया को कवर करते हुए नीचे सेंटर में बीच में आना है, फिर जब बीच में कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस आते हुए बड़ा एरिया बनाना है। कैसे करेंगे, हल्के 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 हमने इनको हैमरिंग करनी है, यानी कि हथौड़ा सा मारना है और लास्ट में सेंटर में आ जाएंगे। एंटीक्लॉकवाइज करेंगे यानी बाहर की तरफ चलेंगे, बड़ा एरिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रूमाल की मदद से ही करना है हैमरिंग का पॉइंट। स्पीच का पॉइंट भी कहलाता है, यानी कि जिनको स्पीच में दिक्कत है उनको दिया जा सकता है, या जिनको स्पीच प्रॉब्लम आ गई है और खास तौर से पैरालिसिस जैसे पेशेंट को, उनमें भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है शिवाजी का। शिवाजी ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को देते हैं, यानी कि जिसका कंधा जाम हो गया हो उस कंडीशन में देते हैं। फीमेल और मेल में ये दोनों में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है, मान लीजिए इनका ये कंधा जाम हो गया है, ये कंधा ऊपर नहीं उठ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका कंधा अगर इतना ही उठ रहा है तो इतना ही सही, हम कंधे को उठाकर इनके सिर को, हाथ को इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, फ्रोजन शोल्डर में क्या होगा कि ये मसल जाम हो जाती है, तो इस मसल्स को खोलना है। तो उस कंडीशन में हम
नीचे से, ये ध्यान कर ले जहां से इनकी बाजू खत्म हो रही है वहां से क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये, और कंधे तक लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां से क्लॉकवाइज करेंगे ये, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर और नीचे से आएंगे, पूरा कवर करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एक जगह पर ये जो शोल्डर का ब्लेड है, यानी शोल्डर ब्लेड है, यहां इस कर्व को भी हमने अच्छे से कवर करना है ये। तो आप देखेंगे कि इसमें जब आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो ये शोल्डर ब्लेड में कुछ पॉइंट आएंगे, या आप इसको चेक कर सकते हैं जिसको भी, तो किसी एक पॉइंट पर दर्द बहुत ज्यादा होगा उस पेशेंट को, बस उस पॉइंट को फोकस आपने करना है। जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी आपकी नीचे से ऊपर की, तो उस पॉइंट को लगातार आपने 10-12 बार क्लॉकवाइज और 10-12 बार एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, क्योंकि वही पॉइंट है जो उसका लॉक हो गया है। अगर हमने उस पॉइंट को खोल दिया तो ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। ये जो तरीका था, यानी कि यहां से जो हमने जो स्टार्टिंग करी है, ये पूरा प्रोसेस करा है, ये फीमेल के लिए है, यानी कि फीमेल को हमने यहां से देना है। जेंट्स को जो हम देंगे वो हम आगे से देंगे, पूरा चेस्ट कवर करेंगे, यहां से देंगे कवर करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे से पूरा चेस्ट कवर करेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे से देंगे, यानी कि हमने पूरे एरिया को पूरा कवर करना है, आगे से चेस्ट को कवर करते हुए पीछे तक जाना है। मेल को आप आगे से पूरा चेस्ट कवर करते हुए पीछे की तरफ देंगे, जबकि फीमेल को हम यहाँ से आधा कवर करते हुए पीछे की तरफ देंगे। इस तरीके से हम बाजू का दर्शन देंगे, और उसी हाथ में देना है जब जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो गए, उस हाथ में ही हम इस्तेमाल करेंगे। या फेशियल पैरालिसिस, ये दोनों एक ही है, यानी कि अगर फेशियल पॉइंट बोला जाए या वेल पाल्सी का पॉइंट बोला जाए, ये दोनों ही एक ही है। तो वेल पाल्सी का मतलब ही फेशियल पैरालिसिस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का फेस एक तरफ मुड़ जाता है, पेशेंट का फेस या तो उधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, है ना, या तो इधर मुड़ जाता है एक तरफ या इधर चला जाता है, इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले आपने उसके चेहरे पर पाउडर लगा देना है, आंखें बंद कराकर, आंखें बंद कर लो, और इस तरीके से आपने पूरे चेहरे पर आराम से पाउडर लगा देना है, आंखों को बंद कराकर। अब मान लीजिए इनका फेस इधर की तरफ चला गया है, यानी कि ये फेस इधर चला गया है ना, या उधर चला गया, मान लीजिए उनका फेस ऐसे टेढ़ा हो गया इधर की तरफ, तो इधर से जिधर की तरफ चला गया है उसी डायरेक्शन को खींच कर हम वापस उसको वापस लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सावधानी से करेंगे और बहुत आराम आराम से करेंगे। यहां से क्योंकि तो मसल्स इधर शिफ्ट हो गई हैं, तो यहां से मसल्स को खींच कर लेकर जाएंगे वापस इस तरीके से, और कान जहां खत्म हो रहा है वहां पर लाकर खत्म रोक देंगे, यानी कि एक अंगूठे से पकड़ लिया। अब यहां से फिर शुरू करेंगे, मसल्स को लेके जाएंगे पूरा, फिर यहां पकड़ेंगे, फिर मसल्स को और ऊपर से खींचते हुए लेके जाएंगे, पूरे चेहरे को कवर करना है धीरे धीरे करके, मसल्स को यहां लेके जाएंगे। अब ये लिप्स को ऊपर आ जाएंगे, हम लिप्स के ऊपर का भाग हम पकड़ेंगे, यहां लेकर जाएंगे इस तरीके से पूरा एरिया, और ऊपर से जाएंगे पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कान के एरिया को कवर करेंगे और नाक के ऊपर से इसको खींचकर इधर लेकर आएंगे, इस तरीके से पूरा नाक के एरिया को कवर करते हुए इधर जाएंगे, पूरा कवर करेंगे। अब आईब्रो को कवर करेंगे, ऊपर का कवर करेंगे, इस तरीके से पूरा चेहरा कवर करेंगे। इसके बाद में जब पूरा चेहरा कवर हो जाएगा, फिर इस हाथ से पूरा का पूरा नीचे से दोबारा से रिपीट करेंगे, और पूरे हाथ से कवर करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से पूरा कवर करेंगे। ये पूरा आपने कवर करना है, अच्छे से कवर करना है ना, मसल्स जहां से खींच गई है
वापस उसको वहीं सेट करेंगे। दूसरा, इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेकलेस का पॉइंट जरूर देंगे। ये वाला जो पॉइंट नेकलेस का है, ये वाला जो पॉइंट है दोनों हाथों से, इस पॉइंट को जरूर देना है ताकि यहां से मसल्स अपनी जगह पर वापस सेट हो जाए। तो फेशियल पॉइंट यानी कि जिस डायरेक्शन में मसल्स चली रहे हैं वहां से खींचकर अपने ओरिजिन स्थान पर यानी ओरिजिन वाली जगह पर लेकर आएंगे और फिर लास्ट में नेकलेस का पॉइंट देंगे। तो ये पॉइंट कहलाएगा फेशियल पॉइंट या वेल पाल्सी का पॉइंट। तो ये फेशियल पॉइंट यानी कि मसल्स को सेट करने का तरीका है। अब इसका कॉज क्या है, उस कॉज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट और भी देंगे। ये केवल एक फिजिकल ट्रीटमेंट है फेशियल पैरालिसिस। इसके बाद है टीथ पॉइंट। टीथ पॉइंट का मतलब है कि जहां पेशेंट को किसी को दांतों में दर्द है, न्यूरोथेरेपी में से ईएनटी को कम देखती है लेकिन जब भी कोई अगर एक पर्टिकुलर ही बीमारी है ईएनटी में तो उसको वहां ट्रीटमेंट दे सकती है। अब मान लीजिए इनको टीथ में दर्द है, तो टीथ में जहां पॉइंट में दर्द है पहले तो हम यहां पर क्लॉकवाइज करेंगे। इस पहले तो यही कॉमन है कि ये पॉइंट हम प्रेस करेंगे करेंगे। इसके बाद में जहां पॉइंट में दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, उस पॉइंट को हमने क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है ताकि वहां पर सर्कुलेशन आ जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में हमने यहां पर कवर कर देना है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, और तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो जहां दर्द है, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए, यहां दर्द है तो यहां क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो ये टीथ का पॉइंट कहलाएगा, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो वहां ये पॉइंट देने का इस्तेमाल करेंगे तो उससे दर्दों में फर्क आ जाएगा। और लेकिन अगर इसके साथ हम इंजरी का ट्रीटमेंट या टीटी हेपरिन का इस्तेमाल करते हो तो आपके दर्द में तुरंत फर्क आ जाता है, दर्द के जो दांतों में दर्द है उसमें तुरंत फर्क आ जाएगा। उस पॉइंट पर अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है और साथ में टीटी हेपरिन आपने देना है। जॉ पॉइंट का मतलब कि जब आप बोल रहे हैं और जबड़ा नहीं खुल रहा, जबड़ा खुलने में दिक्कत कर रहा है, कई लोगों का जबड़ा जाम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, मिनरल्स की वजह से, तो आपका जबड़ा जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपका जबड़ा खुलता नहीं है, तो उसे खोलने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जबड़ा जाम हो गया है, तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा ये दोनों आकर इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो हमने इस पॉइंट को हल्का सा प्रेशर देना है अंगूठे से और फिर जबड़े को खोलने के लिए पेशेंट को बोलना है। ये जितना खोल सकते हैं उतना धीरे धीरे खोलेंगे और फिर धीरे धीरे ये बंद करेंगे, है ना, और यहां से प्रेशर हटा देंगे, फिर एक और बार प्रेशर देना है, फिर खोलने के लिए बोलना है और ये प्रेशर बना रहेगा जब तक ये जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कर दिए, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और अंगूठा हटा दूंगा, फिर एक बार फिर से करेंगे, ये तीन बार हम लोग करेंगे, है ना, और तीन बार करने के बाद में रिलैक्स करेंगे और यहां पर क्लॉक वाइज कर देंगे, दोनों तरफ क्लॉक वाइज करेंगे, दोनों बार क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों बार दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जबड़ा खुलने में इनको मदद करता है ये पॉइंट, और साथ में अगर इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देना है, इन्फ्लामेशन की वजह से तो इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट देना है, या लैक्टिक एसिड की वजह से है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला देना है। तो जिस भी वजह से यह हुआ है तो उस वजह का ट्रीटमेंट देकर यह फिजिकल ट्रीटमेंट हम देंगे, तो जो पॉइंट से आपका जबड़ा खुल जाता है। अपने आप यहां से अगर आंसू नहीं निकल रहा तो यहां से एक लिक्विड निकलता है जो आंखों को नम बना कर रखता है। अगर ये आंसू या ये लिक्विड ना निकले तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की दिल्ली जैसे शहर में जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर ये ड्राइनेस की समस्या आम हो गई है, क्योंकि उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटा माइनर छेद होता है जिसमें अगर धूल मिट्टी आदि के कण जमा हो जाएं तो ये नर्व यानी कि ये डक्ट ये ब्लॉक हो जाती है, और ये ब्लॉक होगी तो आंखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उसको खोलने का काम हम लैक्रिमल पॉइंट से करेंगे, लेकिन लैक्रिमल पॉइंट देते समय हमें पेशेंट के ही टिश्यू पेपर से या पेशेंट के ही रुमाल से हमने ये पॉइंट देना है। मान लीजिए ये रुमाल है तो इस तरीके से हमने ये पकड़ना है, इस तरीके से, है ना,
और बीच में आपने ग्रिपिंग बना दी है। लेकिन ये ध्यान करना है, ये पॉइंट देते समय आपके दोनों हाथों दोनों उंगलियों की नेल्स ना बढ़ी हुई हो। अगर ये नेल्स बढ़ी हुई है तो आप ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये नेल चुक गई तो ये बहुत माइनर ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, ये भी डैमेज हो सकती है, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको आराम से आपने रखा और आंखें बंद, पहले आंख खुलवानी है, और जब आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी उंगलियां और अंगूठे लैक्रिमल डक पर आ गए हैं तो आंखें बंद करा दीजिए। ये छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पेशेंट की भी महसूस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी लैक्रिमल डक्ट आपकी उंगलियों से टच हो रही है। इसके बाद में आंखें बंद कराकर 30 बार क्लॉकवाइज करना है, 30 बार क्लॉकवाइज करना है, और 30 बार जब क्लॉकवाइज हो जाए तो 30 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज करना है और ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज जब हम कर देंगे तो ये हमारी लैक्रिमल पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जब ये 30 बार हो जाए तो हल्के से प्रेशर देकर पेशेंट को लास्ट में बोलना कि आंखें धोकर आनी है, यानी कि जब आपने ये पॉइंट दिया है उसके बाद आंखों पर जाकर पेशेंट छींटे मारेगा, जिससे कि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी वहां से गंदगी निकली है, वो आंखें धुलने के बाद बाहर आ जाएगी। आंखों की कोई भी समस्या है, अगर आप किसी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आंखों के लिए, तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। ये लैक्रिमल पॉइंट है, बहुत फायदा होता है, लैक्रिमल ब्लॉकेज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट यूज होता है, यानी कि आंखों की समस्याओं में लैक्रिमल पॉइंट देना है। इसके बाद है साइनस का पॉइंट। साइनस का पॉइंट साइनस के पेशेंट को देना है जिनको खांसी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, या जिनको चेहरे में दर्द होता है, यानी कई लोगों को यहाँ चेहरे में भारीपन आ जाता है, पेन होता है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, या जिनको बहुत ज्यादा छींके वगैरह आती है, तो ये सारे सिम्टम्स साइनस के हैं। या जैसे बिस्तर से उठे और पैर जमीन पर रखा और आपको छींके आने लग जाती है, ये साइनस की समस्या का सिम्टम्स है। तो उसको कैसे देंगे, सबसे पहले आप पेशेंट को बिठा देंगे और यहाँ से खड़े होकर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर, ये कुछ पॉइंट्स हैं साइनस के पॉइंट देखेंगे। अगर हम इसको स्कल को देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों को ही साइनस के पॉइंट कहा जाता है। इन गड्ढों से लगातार 24 घंटे एक म्यूकस निकलता है जो यहाँ के एरिया को नम बनाकर रखता है, यानी कि नमी देता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो आपका चेहरा ड्राई हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी। तो ये रौनक ना जाए, ये बनी रहे, तो ये लैक्रिमल डक्ट, ये आपके जो साइनस के पॉइंट है ये खुले रहने चाहिए। तो साइनस के पॉइंट आप देखेंगे तो ये आईब्रो के पास में यहाँ छोटा सा एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं दोनों तरफ, इसके बाद में यहाँ एक गड्ढे हैं छोटे छोटे से, उसके बाद ये एक पॉइंट है, इसके बाद ये एक पॉइंट है। तो इन्हीं गड्ढों को हमने स्टिमुलेट करना है। कैसे करना है, पहले हमने बीचों बीच करा, क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये गड्ढा खोला, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, फिर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इसके बाद दांतों के ऊपर ये क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, ये क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा, लास्ट में हमने ये क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा। ये जितने भी साइनस के पॉइंट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे साइनस पॉइंट ऑफ फेस, तो आपको गूगल एक फोटो लाकर दे देगा जो बता देगा कि ये साइनस के पॉइंट है, उन्हीं साइनस के पॉइंट को हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये साइनस का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को जुकाम है या आपको बहुत जल्दी बुखार वगैरह आ जाता है, तो साइनस की समस्या में इन पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, ताकि वहां पर आराम से म्यूकस बने और आपके चेहरे पर हमेशा रौनक बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सुरना जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा T1 T2 प्रेस। T1 T2 प्रेस क्या है, ये एक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल हम एक ग्रुप में करते हैं, मतलब कई पॉइंटों के ग्रुप में करते हैं। जैसे फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन, तो फोर मेडुला क्या है, एक अलग पॉइंट है, फोर मेडुला क्लॉकवाइज एक अलग पॉइंट है, T1 T2 एक अलग पॉइंट है, रमन एक अलग पॉइंट है। तो ये अलग अलग पॉइंट है
लेकिन इनका जब हम ग्रुप यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं फोर मेडला क्लॉक वाइज T1 T2 रन। तो T1 T2 कैसे दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में आए चाहे वो सिंगल देना हो, तो इसका फायदा क्या है, ये हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करता है और यहां से जो नर्व निकलती है वो दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई पहुंचाने में मदद करती है। यानी कि अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल हम सर्वाइकल के पेशेंट को कर सकते हैं। यानी कि किसी को गर्दन में पेन है, किसी को हाथों की मूवमेंट में पेन है, स्टिफनेस है, तो हम T1 T2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब T1 T2 की लोकेशन क्या है ये ध्यान करना, गर्दन को नीचे झुकाइए। जब ये गर्दन को नीचे झुकाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक उभरी हुई हड्डी सी आ गई है, ये हड्डी बाहर निकल गई है, ये इनकी T1 है। T1 की पहचान ही यही है कि जब पेशेंट गर्दन नीचे झुकाए और यहाँ एक उभार सा निकल जाए तो ये T1 है। तो ये T1 और इसके नीचे ही T2 होगी, यानी कि इतने एरिया पर हमने ट्रीटमेंट देना है। अब इसको आप कपड़े पे भी कर सकते हैं, पाउडर लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मेरे ये दो अंगूठे T1 और T2 ही हैं, ये T1 है ये T2 है। अब मैं इनको कपड़े को ऊपर देता हूँ, ये वाली पोजिशन है, तो क्या करते हैं पाउडर लगाकर भी दे सकते थे। अगर आप डायरेक्ट स्किन के ऊपर शरीर के ऊपर दे रहे हैं तो आप पाउडर से दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में जितने भी पॉइंट्स हम डायरेक्ट स्किन पर दे सकते हैं उन्हें स्किन पर ही यानी बॉडी पर ही देना चाहिए, केवल फीमेल को छोड़कर। मेल को अगर आप दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट चाहे चेस्ट हो चाहे थाइमस हो चाहे वो अल्फा एसन की हो ऑर्गेन क्लियरेंस हो, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट बॉडी पर दीजिए पाउडर का इस्तेमाल करके, ऐसा गुरुजी कहते हैं, ताकि पेशेंट को ज्यादा फायदा होता है। हाँ, सर्दी का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट कपड़े हटाकर नहीं देना है, तो कपड़े के ऊपर से दे सकते हैं। तो ये T1 T2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है ये ध्यान करना, उसके साइड में हथेली को रख कर और रबिंग करनी है 15-16 बार आपने। ये T1 T2 के साइड में मैं रबिंग कर रहा हूं और फिर दूसरी तरफ रबिंग करना है। ये अभी तक तो मैंने T1 T2 के साइड में ही दोनों तरफ रबिंग करी है, तो पहले मैंने इधर रबिंग करी, फिर मैंने इधर रबिंग करी, और इसके बाद में इस T1 T2 को क्लॉकवाइज करना है और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यही T1 T2 हमारा कहलाता है। यानी कि T1 T2 के पहले साइड में रबिंग करनी है, फिर T1 T2 के दूसरी तरफ रबिंग करनी है, फिर T1 T2 के ऊपर रबिंग करनी है, और उसके बाद T1 T2 को क्लॉकवाइज करना है। ये T1 T2 प्रेस या T1 T2 ट्रीटमेंट कहलाता है। इससे यहां से जो भी नर्व निकलेगी, यहां से जो भी नर्व निकलेगी उसको ब्लड सर्कुलेशन जाएगा और जो उनका फंक्शन होगा वो फंक्शन प्रॉपर होएगा। जैसे उनका फंक्शन होता है हमारे दोनों हाथों की मूवमेंट को ठीक करना, हमारे चेस्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाना, हमारे गर्दन के एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर करना, तो T1 T2 ये सभी कामों के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सतनाम का पॉइंट। सतनाम का पॉइंट माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। यानी कि सिर में भारीपन हो, आप स्ट्रेस में हो, सिर दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में देते हैं। तो सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करने का तरीका एक सतनाम था, आजकल ये सिर हल्का एक और पॉइंट बन गया है, तो इसका बड़ा रूप है, सिर हल्का बड़ा रूप है, और उसमें से एक पॉइंट एक स्टेप है सतनाम का। तो सतनाम क्या है, तो जब हमारा एक बार खड़े हो जाओ, जब हमारा सिर दर्द हो रहा हो, सिर भारी हो रहा हो, तो सतनाम का ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को बिठाना है और यहां से इस तरीके से सपोर्ट देना है। अगर लेडीज है तो पिलो का इस्तेमाल कर सकती है बीच में, जेंट्स है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टेक लगा दीजिए। इस तरीके से हथेली रखनी है और यहाँ पर दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को यहाँ पर मिलाना है और यहां से हल्का सा प्रेशर क्रिएट करते हुए ये क्लॉकवाइज करनी है और ये क्लॉकवाइज कर पीछे की तरफ आपने मिला देना है। बस इतना काम आपने करना है, यहां से प्रेशर देते हुए, यहाँ क्लॉकवाइज करते हुए पीछे की तरफ जब हम मिला देते हैं तो ये सतनाम का पॉइंट कहलाता है और ये बहुत रिलैक्स करता है। जब सिर में दर्द हो या भारीपन हो या स्ट्रेस हो, गुस्सा आ रहा हो, तो आप इस पॉइंट को अगर आप लेते हैं 4-5 बार करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये सतनाम का पॉइंट कंप्लीट कराएगा। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट है सिर हल्का ट्रीटमेंट है जिसमें ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये सतनाम का पॉइंट सिर हल्का के अंदर भी आ जाता है। तो केवल हमने सतनाम को पॉइंट देना है, तो इस तरीके से पीछे क्लॉकवाइज कर मिला देना है, ये सतनाम का ट्रीटमेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारा है ईयर पॉइंट, जिसको हम हियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ईयर पॉइंट या हियरिंग पॉइंट, यानी कि अगर कान में कोई समस्या है या कान की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं या मिनियर डिजीज हो गई है या टेनिटस की समस्या हो गई है,
टिनिटस वो समस्या है जब आपको कानों में सीटी की आवाज आने लग जाती है, झिंगुर की आवाज आने लग जाती है, जब लगातार एक आवाज आपको परेशान करती है, जैसे वो किसी चीज को खिसकाने की भी हो सकती है, या आपको किसी चीज की रबिंग की हो सकती है, या वो लगातार घंटी बजने की आवाज हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे पॉइंट्स हमारे टेनिटस की समस्या के सिम्टम्स होते हैं। जब पेशेंट बोलता है कि लगातार आवाज आ रही है, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे, साथ में ये हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट देंगे। कैसे देंगे? खड़े होने बैठ। तो अगर दोनों की समस्या है, दोनों कानों में है, तो दोनों कानों में ये ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट कहता है कि एक कान में ये समस्या है, तो उस कान में हमने क्या करना है, इस तरीके से पाउडर लेना है, पहले कान के आगे पाउडर लगा देना है, फिर सेकंड स्टेप में कान के पीछे पाउडर लगा देना है, फिर तीसरे स्टेप में कान के नीचे पाउडर लगा देना है। तो तीन स्टेप में कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये अंगूठा ऐसे रखकर और ऊपर से नीचे रबिंग करना है, ये कान के आगे की तरफ 15-16 बार रबिंग करना है। सेम ऐसे ही रबिंग हमने जहां पीछे पाउडर लगाया था वहां करनी है, सेम ऐसे ही रबिंग हमने कान के नीचे जहां पाउडर लगाया था वहां करनी है। ठीक है, तो ये तीनों तरफ हमने पहले रबिंग कर दी, यहां रबिंग करी, यहां रबिंग करी, यहां रबिंग करी। इसके बाद ये दोनों उंगलियों को वी शेप बनाना है और कान के नीचे से ऊपर रबिंग करना है, ये रबिंग करना है 15-16 बार, फिर इस तरीके से रबिंग करना है 15-16 बार, फिर ऊपर से नीचे रबिंग करना है 15-16 बार। तो तीन स्टेप में हमने पहले रबिंग करी और तीन स्टेप में हमने अब रबिंग करी। इसके बाद में हमने क्या करना है, अंगूठे को लेकर अंदर रखना है और नीचे प्रेशर देना है, फिर ऊपर प्रेशर देना है, फिर पीछे प्रेशर देना है, ये आगे प्रेशर देना है। ये पॉइंट हियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और बीपी कंट्रोल के लिए भी ये माना जाता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम आगे पीछे ऊपर नीचे प्रेस करते हैं तो ये बीपी के लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके बाद में इसको हमने कान को बंद करना है, इस तरीके से ये बंद करना है और छोड़ना है, बंद करना है छोड़ना है, बंद करना है छोड़ना है। और अब इस कान को पूरा कवर करके इस तरीके से हल्की यहां पर आपने हैमरिंग करनी है, ये बहुत हल्का रखना है क्योंकि ये बहुत तेज सुनाई दे रहा होगा जिसको भी ये पेशेंट को आप करेंगे, तो ये बहुत हल्का हैमरिंग करनी है। ये करने के बाद में अगर ये दोनों कानों में है तो दोनों कानों के लिए एक साथ बताता हूं, है ना, आपने इधर भी कर दी प्रोसेस, दूसरी तरफ भी कर दी, तो दोनों कानों में ये वैक्यूम क्रिएट करना है। ये वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद छोड़ देना है। ये दोबारा से देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये छोड़ देना है, एक बम से आवाज आएगी। जब करेंगे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो एकदम आवाज आएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट। तो ये सारे स्टेप आप दोहराएंगे तो ये इसमें फर्क होगी, लेकिन साथ में आपने उस बीमारी का कॉज क्या है उस कॉज पर भी काम करना है। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है तो उसमें ये मदद करेगा, हियरिंग पॉइंट या ईयर पॉइंट दोनों ही इसके नाम। अगला है नेक्स्ट ऑर्गन क्लीयरेंस, और इससे पहले है इसके बाद है रिस्ट पॉइंट। तो रिस्ट पॉइंट को पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये बैठने वाला पॉइंट है, ऑर्गन क्लीयरेंस लिटाकर होगा तो लिटाकर बता दूंगा। तो रिस्ट पॉइंट क्या है, जब आपकी कलाई की मूवमेंट रुक जाए, यानी कि आप ऐसे ना कर पाए, ऐसे ना कर पाए, तो उस समय पर ये हमारा पॉइंट है, उस समय पर आपने क्या करना है ये ध्यान करना। जैसे मान लीजिए इनकी ये कलाई मूवमेंट नहीं कर रही है ना, तो आपने क्या करना है, बहुत सपोर्ट से इसको पकड़ना है, इस तरीके से दोनों अंगूठे को मिलाकर रिस्ट के यानी कलाई के बीचों बीच रखना है और यहां से आपने हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है, 1, 2, 3, ये सपोर्ट जरूर रखना है, ध्यान देना, ऐसा नहीं पकड़ लेना कैसे भी, ये पकड़ने का तरीका है, इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज करना है आराम आराम से, 4 बार क्लॉकवाइज करना है, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है ये, और फिर 4 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद में
इस तरीके से मैक्सिमम जो आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है और लास्ट में हल्का सा जर्क देना है, यानी कि ऊपर पूरा खींचिए और फिर जर्क दीजिए, लेकिन ये अंगूठा का सपोर्ट नहीं छोड़ना है, ये अंगूठे यहीं पर रखेंगे, ये खींचना है और ये जर्क कलाई पर आना चाहिए ना कि उसके कंधे पर आना चाहिए, ये तो कई बार यहां से आवाज भी आ जाती है, अगर आवाज आ गई तो यानी कि लिगामेंट वहां से खिंच जाएगा और वो सख्त हो जाएगा और आपकी जो कलाई की मूवमेंट है वो वापस आ जाएगी अगर आवाज आ जाती है, लेकिन आवाज के चक्कर में आप लगातार झटके देते रहे तो ऐसा ना हो कि वो समस्या बढ़ सकती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं सारी चीजों को तो लास्ट में जब आप जट करेंगे तो आवाज आती है क्योंकि हमने लिगामेंट की मूवमेंट कराई है, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो आप थोड़ी देर के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं पड़ना है। तो ये रिस्ट का पॉइंट है जो कलाई के दर्द को निकालने में और कलाई की मूवमेंट में आपकी मदद करेगा। बैक पॉइंट ये भी लिटाकर होगा तो लिटाकर देख लेते हैं कुछ पॉइंटों को जिसमें पहले उल्टे लेते हैं ना, तकिया लगाकर पहले है ऑर्गन क्लियरेंस ना। ऑर्गन क्लियरेंस में कुछ दो स्टेप्स है, ये ध्यान से देखना। ऑर्गन का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये ऑर्गन है, यहां पर जितने मैक्सिमम हमारे 90% ऑर्गन इस एरिया में आ जाते हैं। तो ऑर्गन क्लियरेंस मतलब हम ऑर्गन की कैसे सफाई कर रहे हैं, और सफाई न्यूरोथेरेपी में या मेडिकल साइंस में एक ही तरीके से होती है कि वहां पर आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए। आप किसी भी ऑर्गन की सफाई करना चाहते हैं तो वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए, उस ऑर्गन की सफाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ऑर्गन क्लियरेंस कैसे देंगे। तो सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप है, और ये ध्यान देना, मैंने वो कॉन्सेप्ट बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आप कपड़ा हटाकर ये दे सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन मेल को देना है, फीमेल को नहीं देना है, और नहीं तो आप कपड़े को ऊपर भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब आप कपड़ा हटा कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पाउडर लगा दीजिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा, और हाथ की ग्रिपिंग को इस तरीके से रखना है और चार पांच बार, यानी कि मिनिमम एक ही जगह पर चार पांच बार इस तरीके से आपने रबिंग करनी है। जब एक जगह पर चार पांच बार रब हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर रबिंग करनी है, फिर चार पांच बार हो जाए फिर और नीचे आइए, फिर और नीचे आइए। तो इस तरीके से आप इसको कवर करते हुए नीचे तक यानी कि कमर तक आप जाएंगे, ठीक है, और ये बहुत आराम से देना है, ठीक है, टाइम लगना चाहिए आपका, और फिर इसके बाद में यहीं से आप वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि जहां से आपने शुरुआत करी थी आप उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में आपने एक तरफ यानी कि इस तरफ लेफ्ट साइड में हाथ रखने और यहां से ऊपर से नीचे इस तरीके से चार पांच बार हमने कवर करना है, फिर कवर हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर स्पाइन के ऊपर, फिर दूसरी तरफ और वापस हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब यहां ये कवर हो जाएगा तो फिर वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी वहीं हम धीरे धीरे वापस जाएंगे। एक जगह पे कम से कम चार पांच बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये ध्यान देना, हमारी न्यूरोथेरेपी बुक्स में ये 20 बार भी लिखा हुआ है, कई बार पांच बार लिखा हुआ है। 20 बार का मतलब है कि ये एक जगह पर 20 बार आपने रबिंग कर दी है, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे करके एक ही जगह पर कम से कम 20 बार आपने रबिंग कर दी है, तो ये लिखा जाता है 20 ऑर्गन क्लियरेंस, यानी कि 20 बार हमने एक ही जगह पर रबिंग कर दी है। पांच लिखा है तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जब इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो ये ऑर्गन क्लियरेंस कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक जब हम करते हैं तो ये सैक्रल क्लियरेंस कहलाता है। ध्यान करना, जब यहां से लेकर यहां तक करते हैं तो ये ऑर्गन क्लियरेंस है, और यहां से लेकर यहां तक करते हैं
स्पेक्ट्रल क्लियरेंस है क्योंकि स्पेक्ट्रम की बॉन्ड है। तो यहां से भी अगर लिखा है स्पेक्ट्रल क्लियरेंस तो फिर यही पूरी स्टेप हमने दोनों स्टेप हमने इतने एरिया में ही करना है। अगर लिखा है कंप्लीट ऑर्गन क्लियरेंस तो कंप्लीट यहां शुरू होगा यहां खत्म होगा। अगर लिखा है ऑर्गन क्लियरेंस तो ये यहां होगा, अगर लिखा है सैक्रल क्लियरेंस तो यहां होगा, कंप्लीट लिखा है तो दोनों को इन्वॉल्व करके करें। तो इस तरीके से ऑर्गन क्लियरेंस हम देंगे तो ऑर्गन क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है वेल पॉइंट। वेल पॉइंट है कमर दर्द के लिए, ये एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, सीधे लेटेंगे और एक्यूप्रेशर में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक तक ये दोनों पैरों में दिया जाएगा, ध्यान करना इस तरीके से आपने ये रखना है तकिया। अगर एक ही पैर में दर्द है यानी कि साइटिका का एक पैर में दर्द है, साइटिका का तो उसी पैर में देना है, साइटिका का दोनों पैर में दर्द है तो दोनों में देना है, और अगर दोनों में से किसी में नहीं केवल सेंटर में है तो भी हमने दोनों में देना है। तो वेल पॉइंट क्या है, ये जो एरिया है एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये स्पाइन का एरिया कहलाती है, यानी कि एक्यूप्रेशर में इसको पूरा स्पाइन माना जाता है क्योंकि इसकी शेप भी इसी तरीके से होती है। अब हमने क्या करना है, अंगूठे से यहां से शुरुआत करना है और क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करके आगे आगे बढ़ना है। तो जिसको भी कमर में दर्द होगा तो इन पॉइंटों में भी दर्द होगा, इन पॉइंटों में भी दर्द होगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आप स्पाइन इसके ऊपर पैर के ऊपर दे रहे हैं तो ये वेल पॉइंट कहलाएगा। इसको आप एडी से भी दे सकते हैं, इस तरीके से सपोर्ट रखकर यहां से क्लॉकवाइज करा, फिर आगे बढ़े 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 क्लॉकवाइज करा, क्लॉकवाइज। तो ये जो पॉइंट है दोनों पैरों में दिया जाएगा और ये पॉइंट वेल पॉइंट कहलाएगा। बैक पेन के लिए एक्यूप्रेशर में इस पॉइंट को देने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम न्यूरोथेरेपी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम हाथ से या एडी से इस पॉइंट को देंगे। तो इस प्रकार देकर हम वेल पॉइंट यानी कि बैक पेन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गन क्लियरेंस लेग से भी दे सकते हैं, बहुत सारे ये हमारा ट्रीटमेंट है। ये हमने बताया कि बहुत बार कई बार जब हम रेगुलर पेशेंट को ये दे रहे हैं, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हम पेशेंट को लगातार सर्कुलेशन दे या हर पेशेंट को ये दे रहा है देना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इजिएट टर्म में हम पैर से भी इस पॉइंट को दे सकते हैं। ऑर्गन क्लियरेंस पैर से कैसे देंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, ये मॉडिफाइड ऑर्गन क्लियरेंस होगा। आपने पैर को यहां रखिए एक तरफ और यहां से आपने नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आपने रबिंग करते हुए जाना है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। पहले हम स्पाइन की एक साइड को कवर करेंगे, लेकिन आपका पैर स्मूथली चलना चाहिए, अगर ये नहीं चलेगा तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा ना हो कि आपके पैर से उसको कहीं झटका लग जाए, तो आपका पैर स्मूथली चलना चाहिए। जब एक साइड का आप ऑर्गन क्लियरेंस कर लेंगे तो फिर दूसरी साइड से दूसरे पैर से देंगे। लेकिन जिस तरीके से जितना स्मूथली मेरा पैर चल रहा है उतना ही स्मूथली आपका भी पैर चलना चाहिए, तो ही ये आपका पैर से ऑर्गन क्लियरेंस माना जाएगा, कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। तो ये जो पॉइंट हुआ मॉडिफाइड ऑर्गन क्लियरेंस बाय लेग है, ये हमारा ट्रीटमेंट है। हम लोग कभी आप मेरे पास सीख रहे हैं तो आपको ये पॉइंट भी मैंने आपको सिखाया कि हम ऑर्गन क्लियरेंस पैर से कैसे दे सकते हैं। इसके बाद है सुधाकर का ट्रीटमेंट। सुधाकर ट्रीटमेंट बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। सुधाकर हम स्पाइन की प्रॉब्लम में दे सकते हैं, स्पाइन जुड़ रही हो, स्टिफ हो गई हो, एंकलॉजिंग हो गई हो, लॉसेस हो गई हो, लिस्टेसिस हो गई हो, लॉरल हो गई हो,
कोई भी हर्निएशन हो गई हो, स्लिप हो गई हो, इन सभी समस्याओं में हम सुधाकर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये सुधाकर का ट्रीटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक क्लॉकवाइज करने का तरीका है। यानी कि यहाँ हम स्पाइन के ऊपर हथेली रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो मिनिमम एक बार आप दे सकते हैं इस तरीके से, एक कंप्लीट हो गया। अगर पेशेंट को ज्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो हुआ वो सुधाकर का ट्रीटमेंट हुआ और सुधाकर के ट्रीटमेंट से हम स्पाइन के मनकों को खोल सकते हैं। उल्टा ट्रायंगल मैंने आपको बताया है पहले, जब मैंने आपको बताया था 2S4-5 और उल्टा ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, यूरिन को रोकने के लिए, यूरिन को लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उल्टा ट्रायंगल मैंने बताया। अब कुछ पॉइंट है, ईपी पॉइंट, ये हमारी खुद की इन्वेंशन है। तो ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ बैक। ये ईपी पॉइंट क्या है? इंगला पिंगला पॉइंट है, इंगला पिंगला इनका पूरा नाम है। आयुर्वेद में 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी तो छोड़ देते हैं, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बैलेंस करने के तरीके को उन्हीं 3-2 नाड़ियों के नाम पर ये पॉइंट है, इंगला और पिंगला। तो इंगला और पिंगला सर्वाइकल कैसे देते हैं, सबक्लेवियन कैसे देते हैं, ये सीखना है। तो पहले हम सबक्लेवियन के बारे में सीखते हैं, चेयर पेपर। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एक करंट सा इसमें महसूस होता है जब भी हम किसी पेशेंट को देंगे, एक करंट सा वाइब्रेशन महसूस होगा। अगर वो हो गया तो आपने वो पॉइंट करेक्ट दे दिया, अगर पेन हो गया देते हुए तो ये आपने इनकरेक्ट दे दिया। ये ध्यान करना, अगर आपके पॉइंट देने से पेशेंट को दर्द हो रहा है तो इनकरेक्ट है, अगर आपके देने से पेशेंट को करंट सा महसूस हो रहा है तो आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट और करेक्ट के दोनों का मैंने बताया, बहुत माइनर है, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद इसकी पता चलेगा कि आपका ठीक हो रहा नहीं हो रहा। तो सबक्लेवियन पॉइंट, सबक्लेवियन क्या है, ये सबक्लेवियन बोन है, ये सबक्लेवियन बोन होती है, इसको क्लेविकल बोन भी बोलते हैं, सबक्लेवियन बोन भी बोलते हैं, और ये सबक्लेवियन जंक्शन कहलाता है। ये जो एरिया है जहां मेरी उंगली चल रही है, ये सबक्लेवियन जंक्शन कहलाता है। पास से दिखा दिया करो कुछ पॉइंटों को, तो ये पॉइंट इस तरीके से दिखा सकते हैं ना, ये। अब इसमें यहां से एक नर्व निकलती है जो आपके कंधों को, शोल्डर को कंट्रोल करती है। तो इसको जब हम स्टिमुलेट कर दें तो ये समझ लेना कि आपका एपी पॉइंट हो गया सबक्लेवियन, क्योंकि सबक्लेवियन के जंक्शन में हम इस पॉइंट को देते हैं, इसलिए इसको सब एपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन कहते हैं। यानी कि जिस एरिया में हम दे रहे हैं उस एरिया के नाम पर इसको सबक्लेवियन कहते हैं, ईपी पॉइंट कहते हैं। अब ये देखिए, आया करंट, देखिए मैंने हल्का सा इनके ऊपर नर्व को ऊपर रखा और हल्की से ट्विस्टिंग करनी है, तो ये आपको अगर ये हो गया तो ये ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन हो गया, आ गया है ना। तो हल्का सा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ताकत नहीं लगाना, हल्का सा आप लगाएंगे तो ये करंट से यहां से आपको महसूस हो जाएगा, और ये करंट जैसे जब आप आ जाए तो सब, मैंने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया ना दबाया, हल्का सा मैंने दिया और इनको करंट आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये जो करंट आ रहा है यही सबक्लेवियन है, यानी कि ईपी पॉइंट ऑफ सबक्लेवियन, क्लियर। इसी ईपी पॉइंट को अगर हम सर्वाइकल के लिए देखें तो ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, यानी कि यहां अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म्स में भी यही पॉइंट आपको मिलेगा, और आप हल्का सा इसे करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पर भी, आप डालेंगे ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर और डिटेल में मिल जाएगी। तो अंदर से एक नर्व जा रही है, उस नर्व को हमने वो ट्विस्टिंग करनी है, और जब इनको करंट आ जाए तो आप समझ लो आपने सही नर्व पकड़ी है। अगर इनको दर्द हो रहा हो आपके करने से तो यानी कि आपने गलत नर्व को पकड़ा है ना। तो आप ये देखना हल्का सा इनका ये हाथ ढीला होना चाहिए, पक्का हो रहा है, करंट आ रहा है, क्या हो रहा है,
करंट है, तो यानी कि ये पॉइंट सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ अब देखने यहाँ दर्द होगा इनको, है ना, ये करंट नहीं आ रहा होगा, ये करंट नहीं आ रहा इनको, ये मैं यहाँ करूं तो करंट नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन यहाँ देखिए आया। तो यानी कि जब करंट आ गया तो अभी आपने प्रैक्टिस कर दी धीरे धीरे, केवल आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है। जैसे जो लोग गिटार बजाते हैं तो गिटार के तार क्या करते हैं, टन, जैसे एक तार है टन टन टन, तो ये गिटार के तार को ही छेड़ना है आपने, और इतने से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने क्या करा, ये उंगली रखी टन आ रहा है टन, तो ये जो टन वाला काम है ये ही करना है आपने। कोई कुश्ती नहीं लड़नी, ना प्रेशर का इस्तेमाल करना है, बहुत लाइट है और बहुत आराम से दिया जा सकता है। आपको पहचान बता दी, जब पेशेंट को करंट आ जाए तो आप बिल्कुल ठीक है, जब पेशेंट को दर्द हो रहा हो तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं, यानी कि गलत हैं। अब मैं इधर भी देखे दिखा देता हूं, आ रहा करंट उंगलियों तक जा रहा है ना, और ये सारी उंगलियों तक जाएगा। अच्छी बात यह है कि जितनी उंगलियों तक जाएगा उतना ही परफेक्शन है, यानी कि अगर एक उंगली तक जा रहा है यानी कि आ रहा है आपका पॉइंट, दो उंगली तक जा रहा है अच्छा है, सारी उंगलियों में जा रहा है तो यानी कि बिल्कुल 100% करेक्ट ईपी पॉइंट दे रहे हैं। 90% लोग इसको करेक्ट नहीं देते हैं, ये भी ध्यान करना, 90% लोग इस पॉइंट को करेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सारी उंगलियों में दर्द मतलब करंट नहीं आता। ये दो ईपी पॉइंट आपने सीख लिए। तीसरा ईपी पॉइंट है नी का, आप खड़े हो इधर खड़े हो, अब घुटने के ठीक पीछे ये जो पटेला है, पटेला के पीछे भी एक नर्व जा रही है, जब आपने वो नर्व को प्रेस कर दिया ये घुटने का पीछे का ये एरिया आ रहा करंट, ये देखिए मैंने बिल्कुल कुछ नहीं करा, केवल एक तार है, ये एक तार जा रहा है और मैंने इस तार को बिल्कुल छेड़ा है बस, आ रहा करंट है ना। तो यही ईपी पॉइंट है, केवल ये तार ऐसे जा रहा है इनका, इस तार को ही हमने पहचानना है, तो ये ईपी पॉइंट ऑफ नी आपका हो जाएगा ये, है ना, अरे पांच उंगलियों में करंट जा रहा है इनको, है ना। तो यही आपने करना, मैंने बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, तो ईपी पॉइंट ऑफ नी है। इसके बाद ये ऊपर पकड़ खींच लो इसको, अब ईपी पॉइंट ऑफ बैक, बैक के भी दर्द यहां से निकाला जा सकता है। आप ये देखेंगे आ रहे, देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये एक तार है, यहाँ एक तार है, ये जब आप करेंगे ये आ रहे, ये केवल हमने हल्के से प्रेस करने हैं ये आ रहे जी। तो यही काम आपने करना है, केवल आपने मैंने लोकेशन बता दी, ये जगह है पीछे नी में, ये जगह है मतलब अंडर आर्म्स है, और ये क्लेविकल बोन यानी कि सर्वे सब क्लेवेन है, तो ईपी पॉइंट ऑफ सब क्लेवेन, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ बैक, ये चार पॉइंट बैठ, ये चार पॉइंट हो गए आपके, जो आपको हल्का से टच करते ही करंट आना चाहिए। जब तक करंट ना आए तब तक पेशेंट को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है, आप दो तीन बार कोशिश करिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे पेशेंट को कोशिश करना, उस पर नहीं करना। और जब तक आपको करंट ना आ जाए तो ये समझ लेना कि आप इस पॉइंट में परफेक्ट नहीं हुए, एकदम 100% परफेक्शन यानी पांचों उंगलियों में करंट आना चाहिए, और एक आध में आने शुरू हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है, है ना। तो पॉइंट का एरिया मैंने आपको बता दिया है, आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, कैसे आप करेंगे इसको देखेंगे, और YouTube पर आप जाएंगे तो ईपी पॉइंट ऑफ बैक, ईपी पॉइंट ऑफ नी, ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल, ईपी पॉइंट ऑफ सब क्लेविन, ये डालेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने और अच्छे से इस पॉइंट को बताया हुआ है। आगे देखते हैं, ईपी पॉइंट सारे कवर कर दिए मैंने आपको, सिर हल्का पॉइंट है, सिर हल्का यानी कि हैट रिलैक्सेशन टेक्निक आजकल ये कहलाती है, हैट रिलैक्सेशन टेक्निक, एचआरटी, एचआरटी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, इसका पुराना नाम है सिर हल्का और नया नाम है इसका एचआरटी, यानी कि हैट रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें वो सब जो सतनाम वाला पॉइंट है वो भी इंक्लूड होगा, और भी मोर बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे, तो आराम से आप देख लीजिए। आगे इस तरीके से आप पीछे बैठ खड़े होंगे पेशेंट के, और वही जो हमने सपोर्ट करके मैंने आपको बताया था, यहां से सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है, इसमें कुछ पॉइंट आगे से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ये जो एरिया है इनको क्लॉकवाइज करना है, प्रेस करना है, तो ये आगे से करना है, इनको प्रेस करना है, ये भी आगे से करना है, तो कैसे करेंगे मैं साइड से खड़े होकर दिखा देता हूं, यहां से क्लॉकवाइज करना है,
ये क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है अंगूठे से, ठीक यहाँ तक, ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, ऊपर तक जाना है, ये क्लॉकवाइज करना है, तीन बार ही स्टेप को दोहराइए, फिर पीछे ही भी खड़े हो सकते हैं, फिर यहां से इन दो उंगलियों से ये क्लॉकवाइज करना है, जिनमें हमने साइनस के पॉइंट के समय पर प्रेस किया था, इनमें क्लॉकवाइज करेंगे, तीन पॉइंट है, तीन बार करेंगे, सिर हल्का में हर प्रोसेस को हम तीन बार जरूर दोहराते हैं, ये ध्यान करें, कोई भी प्रोसेस करेंगे उसको तीन बार दोहराएंगे, अब वो जो सपना वाला प्रोसेस था उसको रिपीट करेंगे, ये करा, ये पीछे तीन बार इसको दोहराएंगे, पीछे पीछे, इसके बाद में फिर हम वही करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन इस बार हम दोनों अंगूठों को मिलाकर यहां प्रेस करेंगे, स्कल के ऊपर प्रेस करेंगे और पीछे लेकर जाएंगे जहां हम नेकलेस का एरिया देते हैं, एक बार फिर से, ये स्टेप नया है तो इसको भी तीन बार करेंगे, ये एरिया नया है, पॉइंट नया है तो तीन बार करेंगे, है ना, इसके बाद में नेकलेस का पॉइंट देंगे, दोनों को मिलाने वाला, एक एक वाला नहीं, सिंगल वाला नहीं, दोनों को मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला, ठीक है, अब इसके बाद में खड़े हो जाओ, ऊपर बैठ जाओ जहां मैंने कुछ लिखे, सॉरी इधर, ठीक है, अब पीछे से क्या करना है, जब हमने ये कर दिया, इसके बाद में यहां से दोनों हाथों को मिलाकर पीछे लेकर आना है और यहां से जो मैंने नेक दिशाई में लास्ट पॉइंट बताया था वो देना है, ये भी तीन बार आपने करना है, इसके बाद ब्रॉडमैन एरिया 17-18 दिशाई आ जाएगी इसकी के अंदर, ये एक प्रोसेस है, यानी कि कई पॉइंटों को मिलाकर एक प्रोसेस है, ये देना है, इसके बाद में आपने अपोजिट प्रेशर देना है, ये हाथ इधर जाएगा, इधर ये हाथ आएगा और हल्का सा प्रेशर 2 सेकंड का, फिर हल्का सा प्रेशर 2 सेकंड का अपोजिट डायरेक्शन में, हल्का सा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में और लास्ट में बीच, दोबारा से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर और लास्ट में ऊपर से प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन, हर स्टेप को तीन बार जरूर दोहराएंगे, ये नियम ध्यान करना तो आपका स्टेप ये समझ आता चला जाएगा, और इसने के बाद में दोनों हाथों को, एक हाथ को पीछे करना है, एक हाथ को आंखों के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को आधा मिनट बंद करकर छोड़ देना, ये हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक है, HRT है, या सिर हल्का का पॉइंट है, जो कि आपको सिर में दर्द हो या भारीपन हो, सिर गुस्सा आ रहा हो, स्ट्रेस हो, उस ट्रीटमेंट के बाद में आपका हेड रिलैक्स हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, तो उसको सिर हल्का पॉइंट बोलते हैं। नी सेटिंग, लेट जाओ, नी सेटिंग का है, जैसे सर्वाइकल हम साइटिंग सेटिंग देते हैं, इसमें नी सेटिंग में क्या करना है, अगर इस घुटने में दर्द है, इस घुटने में दर्द है तो हम इसको इतना कर सकते हैं, ये पैर, ये तकिया लगाना है और इसके बाद में आराम से आप बैठ जाइए और एक एक उंगली को पीछे मोड़ना है और साथ में जब आप पेशेंट, जब आप मोड़ रहे हैं तो पेशेंट श्वास लेगा, आप होल्ड करेंगे पेशेंट होल्ड करेगा, जब आप उंगली छोड़ेंगे तो पेशेंट श्वास को छोड़ेगा, ध्यान से देखना, लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करना है 6 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलैक्स कर देना है, छोड़ दीजिए, अब इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ दीजिए, अब इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलैक्स कर दीजिए, फिर इसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और छोड़ दीजिए, अब पूरे अंगूठे को भी कवर कर लीजिए, लेकिन अंगूठे के लिए मैं पूरा हाथ दूसरा लगा दूंगा, अब देखिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप ये देखेंगे मैंने जो ये पोजीशन बनाई है इनको यहाँ खिंचाव आ रहा होगा ना,
पूरा खिंचाव इनको आ रहा है, यानी कि पूरी बैक इसकी नी की बैक की मसल्स को मेरा पूरा खिंचाव दे दिया है, यानी कि अगर मसल्स इधर उधर भी चली गई है तो वापस खिंचकर अपनी जगह आ जाएगी और नी का दर्द निकल जाएगा। घुटने को बिना टच किए घुटने को दर्द ठीक करने का तरीका है नी सेटिंग। तो और लास्ट में इस तरीके से तीन बार हमने ऊपर करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तीन बार ऊपर करेंगे, मतलब उसको बार बार रिपीट करेंगे, और इस तरीके से ये नी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। बिना घुटने को टच किए ये घुटने का दर्द निकालने का तरीका है। इसके बाद है, मैंने एक प्रदीप पॉइंट बताया था, उल्टा प्रदीप और सीधा प्रदीप, ये दोनों पॉइंट बताए थे आपको जब मैं प्रदीप का पॉइंट बता रहा था, यानी कि जब मैं सीधा पॉइंट बता रहा था उसी समय मैंने उल्टा प्रदीप भी बताया था। इसके बाद है बैक ऑफ नी स्ट्रेच, यानी कि बैक ऑफ नी स्ट्रेच का मतलब है कि अगर बैक के पीछे यानी कि आपके नी के बैक साइड में पेन ज्यादा हो रहा हो, नी की बैक साइड में पेन ज्यादा हो रहा हो, तो हम कैसे इसे ठीक करेंगे? तो पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे और दो तकियों की मदद लेंगे। तो मान लीजिए इनको इस घुटने में दर्द है, तो इस तरीके से आपने सेट करना है, ये तकिया सेटिंग है, ध्यान करना है ना, ये इस तरीके सेट करना है और एक चेयर लेना है, घुटने के ठीक पीछे आपने खड़े होना है, लेकिन घुटने पर प्रेशर नहीं देना, ये ध्यान देना, और यहां से मसल्स को ऊपर वाले पैर से ऊपर खींचना है, नीचे वाले पैर को नीचे खींचना है, ये मसल्स को पूरा खींच देना है, ये है बैक ऑफ नी स्ट्रेच। फिर वापस आएंगे, ऊपर वाली मसल्स को ऊपर, नीचे वाली मसल्स को नीचे खींच देना है, पूरा बैक ऑफ नी स्ट्रेच। यानी कि घुटने के पीछे की मसल्स अगर पेन करेंगी तो उनको बैक ऑफ नी स्ट्रेच देकर ठीक किया जा सकता है, इससे घुटने के पीछे का दर्द है तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसको रिलैक्स करें। तो बैक रिकॉर्ड करना, नाम बोलना तो आप रिकॉर्ड करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थाइमस प्रेस। थाइमस प्रेस हम उन पेशेंट को देते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि जिन जो लोग ज्यादा सोचते हैं, तो उनको ये थाइमस का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये थाइमस का पॉइंट है। जेंट्स को आप डायरेक्ट दे सकते हैं, है ना, फीमेल को आप कपड़े को ऊपर से दे देंगे, तो यहां पर ये जो थाइमस का पॉइंट है, मैं पॉडल लगाता हूं और आपको ध्यान आ जाएगा कि थाइमस का पॉइंट हमारा कहां होगा, लगभग जहां ये पॉडल लग जाएगा वही थाइमस का पॉइंट होगा, ये पॉइंट थाइमस का है ना? और इसकी पहचान है कि छोटा सा हल्का सा गड्ढा है। अब जिन लोगों को डिप्रेशन है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तीनों ही कंडीशन है, तो उन लोगों को हमने अंगूठा यहां रखना है और पीछे से सपोर्ट देना है, ये मेरा दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, इसको अपने पास नहीं रखना है, इसको पीछे रखना है, इसी एरिया के पीछे, और यहां से हमने हल्का सा प्रेशर देके क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर आप ना समझ पाए कौन सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम हथेली से भी दे सकते हैं, इस तरीके से हथेली रखें और यहां से हल्का सा क्लॉकवाइज प्रेशर देकर, हल्के सा प्रेशर देना है और हल्का सा प्रेशर देकर एंटी क्लॉकवाइज करके खत्म करना है। ये थाइमस का पॉइंट है। कई लोगों की सांस नहीं आ पाती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्रेशन में है तो भी कर सकते हैं, जिन लोगों को टेंशन हो रही है उनके लिए भी ये इस्तेमाल कराया जा सकता है, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करने का, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का तरीका है थाइमस का पॉइंट प्रेस करना। ठीक, तो थाइमस प्रेस है। शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस हम देते हैं शोल्डर के पेन के लिए, यानी कि कंधा अगर मूवमेंट नहीं हो रही है दोनों की, तो उस कंडीशन में ये शोल्डर प्रेस देंगे तो पेशेंट को लिटा देंगे, और पेशेंट को लिटा कर सीधे लिटाना है, कंधे के दर्द है अगर किसी को उस कंडीशन में, फ्रोजन शोल्डर में भी दे सकते हैं और एक एक ये जो कर ये तकिया है ये थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से आपने लगाना है, हमने कोहनी के नीचे तकिया नहीं लगाना, इस तरीके से लगाकर और शोल्डर पे हमने दोनों पैरों से खड़े होने हैं और ये हल्का सा प्रेशर नीचे की तरफ हमने रखना है। ये सेकेंड शुरुआत में ये 10 सेकेंड का हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5,
ऐसे 10 सेकंड का दे सकते हैं, और जितने सेकंड का देंगे उसे 3 बार रिपीट करेंगे। 10 सेकंड का दिया, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 सेकंड का प्रेशर, 1 2 10 सेकंड का प्रेशर, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 सेकंड का प्रेशर, फिर 10 सेकंड का रेस्ट। बहुत सारे लोगों का कंधा जमीन पर नहीं लगता है, तो ये तकिए की जो पोजीशन है आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कंधा प्रेस है, ये शोल्डर प्रेस जो है, अगर नए पेशेंट को दे रहे हैं तो 10 सेकंड का ही रखना है, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का रेस्ट, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का रेस्ट, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का रेस्ट, जैसे हमने एबीडी सेटिंग में रूल बनाया हुआ है। पुराने पेशेंट को दे रहे हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हफ्ता 10 दिन हो गया, तो 20 सेकंड का ट्रीटमेंट, 20 सेकंड का रेस्ट, 20 सेकंड का प्रेस, 20 सेकंड का रेस्ट, 20 सेकंड का प्रेस, 20 सेकंड का रेस्ट। अगर पुराना पेशेंट है 1-2 महीने 3 महीने का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो 30 सेकंड प्रेस, 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड प्रेस, 30 सेकंड रेस्ट। ये फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने का बहुत अच्छा टेक्निक है, तो इसको शोल्डर प्रेस बोलते हैं। अब हमारा है डाउन पॉइंट, अप पॉइंट, मिडल पॉइंट। न्यूरोथेरेपी ने इतनी एडवांस रिसर्च करी, न्यूरोथेरेपी ने रिसर्च की है कि ऑर्गन्स के कौन सा ऑर्गन, जैसे जिस पॉइंट को हम 3 पॉइंट में देते हैं, जिस भी पॉइंट को हम 3 पॉइंट में देते हैं, तो 3 पॉइंट में 3 नेचर कवर होते हैं। पहला आपका कवर होता है एसिडिक अल्कलाइन नेचर, दूसरा कवर होता है हमारा न्यूट्रल, और तीसरा कवर होता है हमारा एसिडिक। मेरी बात को समझना, जिस भी पॉइंट को हम देते हैं 3 पॉइंट में देते हैं, जैसे गैस ओनली 3 पॉइंट में देते हैं, राइट ओवरी 3 पॉइंट में देते हैं, लिवर कंप्लीट 3 पॉइंट में देते हैं, तो इन तीनों पॉइंट में से पहला पॉइंट जो होगा वो अल्कलाइन नेचर होगा, मिडल पॉइंट जो होगा वो न्यूट्रल नेचर होगा, ना तो अल्कलाइन होगा ना एसिड होगा, और तीसरा जो पॉइंट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो लिवर से फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं ताकि आपको हर पॉइंट का मतलब समझ आ जाएगा। ये मैंने तकिया लगाया और ये मैंने लिवर के लिए हाथ का लगाया। अब लिखा हुआ है लिवर अप 7 पॉइंट, तो लिवर अप यानी ऊपर वाला ही 3 पॉइंट जब हम देंगे, जितने भी पॉइंट लिखे हैं केवल हमने ऊपर वाले ही देने हैं, तो ये लिवर अप कहलाएगा, ठीक है। अगर लिखा है लिवर डाउन, तो लिवर डाउन का मतलब ये वाला है, ये डाउन हो गया लिवर, है ना। और लिवर मिडल यानी कि ये लिवर मिडल हो गया। तो इसी प्रकार से ये अप, ये मीडियम, ये यानी कि न्यूट्रल, ये डाउन, ये अल्कलाइन, यानी कि जब हम यहां प्रेशर देंगे, इस प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो इस एरिया में होगा, है ना, यानी कि इस एरिया में अल्कलाइन नेचर में जाएगा। जब हम यहां देंगे तो ये न्यूट्रल लिवर को करेगा, यहां देंगे तो एसिडिक लिवर को करेगा। तो इस प्रकार से चाहे पॉइंट कोई भी हो, अब आप दे सकते हैं, जैसे अगर लिखा है लिवर अप तो आप लिवर अप दे सकते हैं, लिवर डाउन लिखा है तो लिवर डाउन दे सकते हैं, पैरा अप लिखा है या पैरा डाउन लिखा है, पैरा अप लिखा है तो अप ये हो गया, डाउन ये हो गया, तो पैरा अप यानी कि सारे पॉइंट हमने यहां देने हैं, पैरा डाउन लिखा है तो ये वाला देना है, पिट डाउन देना है तो पिट डाउन ये वाला हो गया, पिट अप देना है तो ये वाला हो गया। तो इस तरीके से अप और डाउन ये 2 पॉइंट अलग अलग हो गए और बीच का न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट अल्कलाइन, दूसरा पॉइंट न्यूट्रल और तीसरा पॉइंट एसिड। इस तरीके से तीन पैरा में कौन सा होगा सर, पैरा में कौन सा एल्कोहलिक होगा, कौन सा एसिड हो गया और पैरा डाउन ये हो गया, मतलब ये वाला हो गया, ये पैरा अप, ये पैरा डाउन, ये पैरा अप, ये पैरा डाउन, ये थायराइड भी अप, ये थायराइड भी डाउन, ये थायराइड भी अप, ये डाउन। तो इस तरीके से ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, और तीन पॉइंट है तो अप डाउन और मिडल हो गया। इस तरीके से तीनों पॉइंट को हम दे सकते हैं, तीनों का अपना नेचर है, ये ध्यान देना, इन दोनों का अपना नेचर है। तो अप वाला क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया, डाउन वाला क्या हो गया, एसिड हो गया, ये अल्कलाइन, ये एसिड। तो ये तीनों पॉइंट को मैंने यहां मेंशन करा था, तो ये आपको बता दिया। अब इसमें कुछ चेकिंग पॉइंट ट्रीटमेंट है हमारे, कि हम न्यूरोथेरेपी में कैसे डायग्नोस करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि हमारे पॉइंट कवर हो जाए। खड़े हो जाओ। तो इसमें मैंने लिखा है कि
एसिड और अल्कलाइन हम फिंगर से कैसे चेक करते हैं ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम पॉइंट कवर कर रहे हैं तो आपको ये सिखाता हूँ। फोर्थ रिंग फिंगर लेफ्ट वाली को पकड़ना है और राइट फोर्थ फिंगर रिंग वाली को पकड़ना है, दोनों के बीच वाले जॉइंट को पकड़ना है, दोनों को पकड़कर ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्टिंग आनी चाहिए, केवल प्रेस नहीं करना, ट्विस्टिंग भी आनी चाहिए, ट्विस्टिंग होनी चाहिए। ट्विस्ट करने पर अगर इनको लेफ्ट में पेन ज्यादा है तो इनकी बॉडी का नेचर एसिडिक है, अगर इनको राइट में पेन ज्यादा है तो बॉडी का अल्कलाइन नेचर है, अगर दोनों में पेन ज्यादा है तो बॉडी एसिड और अल्कलाइन दोनों इनबैलेंस है, और दोनों में से किसी में भी पेन नहीं है तो यानी कि बॉडी बैलेंस है। एसिड है, अल्कलाइन है, दोनों में पेन है तो दोनों इनबैलेंस है, दोनों में पेन नहीं है तो दोनों ही बैलेंस है। तो इस तरीके चार कंडीशन, चारों कंडीशन आपको आती होंगी। इसी प्रकार हम किडनी का भी डायग्नोस करते हैं। ये जो एरिया खाली खाली जगह दिखती है, किडनी की लोकेशन आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो खाली खाली एरिया है, ये खाली खाली एरिया है, ये किडनी का एरिया है। इस खाली जगह में ही स्पाइन के साथ में चेक करना है। ये स्पाइन है, इसके साथ में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ तीन उंगली मिलाकर क्लॉकवाइज करिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पेन ज्यादा है, यहाँ स्पाइन के साथ में यहाँ क्लॉकवाइज करिए, यहाँ पेन ज्यादा है। अगर पेशेंट को लेफ्ट में पेन ज्यादा है तो एसिड बढ़ा हुआ है, पेशेंट को राइट में पेन ज्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। पेशेंट को लेफ्ट और राइट में दोनों में पेन है तो दोनों चीजें बढ़ी हुई है, दोनों में से किसी में पेन नहीं है तो दोनों ही चीजें बैलेंस है। इस तरीके से एसिड और अल्कलाइन को हम किडनी के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अगला है सर्वाइकल सेटिंग। सर्वाइकल सेटिंग के लिए एक तरफ मैं आपको देके दिखाता हूं, आपने जब भी किसी पेशेंट को देंगे तो दोनों तरफ देना है, आप दोनों तरफ देंगे जब भी देंगे तो इसमें जैसे हमने नी की सेटिंग करी थी वैसे ही सर्वाइकल की सेटिंग करेंगे। तो नी की सेटिंग में मैंने एक एक उंगली को लेकर गया था, इसी प्रकार हम सर्वाइकल में भी करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए 6 सेकंड और छोड़िए, रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, दो उंगलियों को मिला दिया मैंने, 6 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए। अब अंगूठे को इन्वॉल्व करने के लिए दूसरे हाथ को इन्वॉल्व करूंगा। अब मैं सपोर्ट देखिए, ये मैंने अंगूठा यहाँ फंसाया, हाथ को यहाँ सपोर्ट दिया, लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए 6 सेकंड। अब अंगूठी को भी प्रेशर जा रहा है, छोड़िए। अब जब हम तीन सब पूरे एक साथ दे रहे हैं तो तीन बार देना है, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लेकिन शर्त एक ये है कि ये कंधा सीधा रहना चाहिए, ये कोहनी सीधी रहनी चाहिए, ये कोहनी अगर इन्होंने टेढ़ी कर ली तो इनका इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये पूरा करना है, तो लास्ट में तीन बार करना है। फिर ये सर्वाइकल सेटिंग हो गया, आप देंगे तो दोनों हाथों में पूरा पूरा देंगे तो ये कंप्लीट सर्वाइकल सेटिंग होगी। तो सर्वाइकल सेटिंग, नेक ट्रीटमेंट, नेक ट्रीटमेंट का मतलब है कि इनको दिखाता हूं कि नेक के स्टिफनेस को दूर करना हो, मूवमेंट नहीं हो रही हो, नेक बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, उस कंडीशन में नेक ट्रीटमेंट देंगे। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इनको इस तरीके से बिठा देंगे, कमर सीधी रहेगी और आपकी पोजीशन जो मेरी पोजीशन, ये ध्यान करना, एक पैर पर आपने वेट लेना है और यहां से क्या करना है, इस तरीके से यहां से हल्का सा प्रेशर देना है दोनों हथेलियों से और मसल्स को प्रेस करना है ना, और गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए कहना है, और ऊपर मुड़िए, 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 ये, और वापस सामने देखना है। फिर दोबारा से ये क्रिया को हम तीन बार दोहराएंगे, प्रोसेस को ऊपर देखना है और ऊपर देखिए, आप मैं पूरी ताकत से हल्का सा प्रेशर दिया है और इनकी गर्दन को होल्ड करा है, ये गर्दन को प्रेस किया है, ये नेक ट्रीटमेंट, सामने देखना, ये तीन बार हो जाएगा। फिर चौथी बार, जब तीन बार हो जाएगा चौथी बार को फिर इनको प्रेस करना है दोनों हथेलियों से। अब दाएं और बाएं, पहले लेफ्ट देखिए, गर्दन को मोड़ो, हाँ पूरा, और राइट, अब राइट में मोड़ो, सामने देखो। तो ये प्रोसेस भी, फिर लेफ्ट में देखो, राइट में,
ये ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं और फिर लास्ट में आपने रिलैक्स करना है क्योंकि आपने बहुत देर से ये मसल्स को पकड़ा हुआ है। ये हो गया नेक ट्रीटमेंट आपके नेक सर्वाइकल के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छी टेक्निक है दोनों हथेलियों से, इसको हल्का सा ट्रैक्शन भी कहते हैं और ये फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, तो इसको नेक ट्रीटमेंट कहेंगे। आरी चलाना बहुत अच्छा है। अगर कंधे में कहीं रुकावट हो, हाथों की मूवमेंट ना हो रही हो, तो हाथों को इस तरीके से रखना है, आगे से ही देना है। अच्छे से ये करिए तो कंधे सर्वाइकल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि मैंने एक अभी मेरी एक वीडियो अभी चली थी, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, इस वीडियो को जिसमें भी मैंने प्रेशर ये सिखाया था, जिस वीडियो में ये टेक्निक सिखाई थी, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों को उससे फर्क आया कि किसी को सर्वाइकल का पेन हो, गर्दन स्टिफ हो गई हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो पूरी अच्छी तरीके से आपने ये रिलैक्स कर दीजिए और इसके बाद में 10 बार मुखाधुति करा दीजिए और आपका 100% आपका सर्वाइकल का एरिया रिलैक्स हो जाएगा। ये है आरी चलाना। टेल वॉल प्रेस उल्टे टेल कौन प्रेस, जिन लोगों को बैठने पर टेल बोन के एरिया में पेन होता है उन लोगों को टेल बोन प्रेस दे सकते हैं। दोनों पैरों की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए। यहां से एड़ी को या उंगली से प्रेशर शुरू होगा, छोटी उंगली से प्रेशर शुरू होकर एड़ी तक जाएगा, ये रखा मैंने, और बिल्कुल स्पाइन के ऊपर ही प्रेशर क्रिएट कर हल्का एड़ी पहुंच गई वहां पर, और जहां मेरा ये खत्म होगी मतलब एड़ी का प्रेशर खत्म होगा वहीं पर मैं दूसरा पैर रखूंगा उसके साथ में और यहां से उतर जाऊंगा जैसे हम L345 में देते हैं। टेल बोन प्रेस यानी कि टेल बोन में अगर किसी को पेन हो तो उसकी सेटिंग के लिए देते हैं। छोटी उंगली से प्रेशर शुरू होगा और धीरे धीरे एड़ी तक ये प्रेशर चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ दबाव देना है यानी खिंचाव देना है, टेल बोन को ऊपर खींचना है और फिर सेट कर देना है। टेल बोन को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचना है ये और ये खींच, ये 3 बार हम दोहराएंगे तो उन इसको बोलते हैं टेल बोन प्रेस। टेल बोन को ऊपर की तरफ हमने खींचा और उतर गए तो उतर कर इसको खिंचाव देना यानी कि अगर वो इधर उधर हिली हुई है तो वापस अपनी जगह आ जाती है तो इसको बोलते हैं टेल बोन प्रेस। हील किसाई यानी कि किसी को एड़ी में दर्द हो, किसी का स्पर हो रहा हो, स्पर का मतलब एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है तो तकिया लगाकर यहां पर पाउडर लगाकर एड़ी के ऊपर एड़ी की घिसाई कर देनी है। एड़ी की घिसाई कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर इनकी इस एड़ी में दर्द है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम खड़े होंगे और यहां से ये आपको दिखाई दे रहा होगा तो पहले साइड में घिसेंगे, एड़ी की साइड में रबिंग करना है, एड़ी के साइड में रबिंग करना है, फिर एड़ी से दूसरे साइड में रबिंग करना है यानी दूसरे पैर से दूसरी साइड में रबिंग करना है, फिर बीचों बीच रबिंग करना है। ये आपका पैर भी इसी तरीके से चलना चाहिए और ये 3 डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन एड़ी की एक साइड यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड एड़ी की लेफ्ट साइड और एड़ी का बिल्कुल सेंटर का पॉइंट और इतना रबिंग करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इतना रबिंग करता है कि वो एकदम गर्म हो जाए। तब तक रबिंग करना है या तो आपका पैर गर्म हो जाए या उसका पैर गर्म हो जाए, यानी कि या तो आप पैर हटाने के लिए मजबूर हो जाए या वो पैर हटाने के लिए मजबूर हो जाए। एड़ी पर ही करना है, एड़ी से नीचे स्किन पर नहीं करना, तो कहने का मतलब कि वहां हीट प्रोड्यूस करना है और वहां जब हम घिसेंगे तो सर्कुलेशन वहां जाएगा तो वहां जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और इस पर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हील के साइड मतलब पहले साइड से ये हील है तो इधर से रब कर दीजिए फिर उसको ऊपर से रब कर दीजिए तो वहां जब सर्कुलेशन पहुंचेगा तो इस पर भी खत्म हो जाएगा। सोल की साइड, सोल में कई लोगों को यहाँ पर सोल में दिक्कत आ जाती है,
कॉल्स आ जाते हैं, तो कॉल्स क्या है, कॉल्स भी लैक ऑफ सर्कुलेशन है, तो उस कंडीशन में भी सेम वही पहले सोल के एक साइड में डिसाइड करनी है, फिर सोल के दूसरी साइड में डिसाइड करनी है, आप उल्टे लेट लो, उधर पैन कर लो, इधर पैन कर लो, इधर चेहरे कर लो, उल्टे लेट जाओ, है ना, सोल की साइड, तो पॉडल लगा दिया। अब आप देखिए पास से देख सकते हैं यहां घिसना है, पहले पहले हमने एडी के एक तरफ घिसा था, इधर से लाओ ना, ये घिसाई करना है, फिर ये घिसना है, है ना, तो पहले ये रबिंग करना है एक साइड में, फिर दूसरे साइड में करना है, फिर बीचो बीच करना है, तो यानी कि पहले सोल, ये सोल कहलाता है, सोल के एक साइड में, फिर दूसरी साइड में, फिर बीचो बीच, यानी कि पहले एक साइड में, फिर बीच साइड, दूसरी साइड में, फिर बीचो बीच, तो ये सोल की साइड कहलाएगा। और ये भी वही नियम कि इतना गर्म करना है, या तो आप पैर हटा लीजिए या पेशेंट पैर हटा ले, या हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, वहां गर्म लगना चाहिए, गर्मी महसूस होनी चाहिए, लगना चाहिए कि किसी ने सिकाई करी है, तो ये सिकाई का एक टेक्निक है सोल की साइड, यह सैक्रल क्लीयरेंस, सैक्रल डिसाइड, यानी कि मैंने आपको बताया था ऑर्गन क्लीयरेंस के समय पर, ऑर्गन क्लीयरेंस यानी कमर तक देते हैं, कमर से नीचे जब हम देते हैं सैक्रल के पार्ट में, तो सैक्रल क्लीयरेंस होता है, यानी कि हम इस एरिया को, इस एरिया की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए सैक्रल क्लीयरेंस देते हैं। टंग पॉइंट, फिंगर प्रेस, और लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है सर, तो फिंगर नो टंग पॉइंट और फिंगर प्रेस, बैठ जाओ। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा टंग पॉइंट। टंग पॉइंट में भी, टंग पॉइंट में जीभ निकलवाते हैं, जिन लोगों को स्पीच की दिक्कत होती है, जिन लोगों को पैरालिसिस होता है टंग का, जिन लोगों को फेशियल पैरालिसिस होता है, तो जीभ निकलवाते हैं। आप लाए रुमाल? ना नहीं। हाँ तो आप आ जाओ, आप आ जाओ, क्योंकि वो दिखना चाहिए। तो पेशेंट को बिठाना है, उनका ही रूमाल इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप अपना यूज नहीं कर सकते, नहीं करना है, तो जीभ निकालिए, जीभ निकालो, इस तरीके से जीभ को पकड़ना है, ठीक है, जीभ को पकड़ रखना है, बीच में नहीं छोड़ना, बीच जीभ पीछे की तरफ भागेगी, पहले इसको क्लॉकवाइज करना है, ये क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ऊपर इधर करना है, इधर करना है, ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है, ये टंग ट्रीटमेंट है, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसको खींच के थोड़ा सा खींचना है, तो ये टंग ट्रीटमेंट है। जिनको स्पीच की दिक्कत होती है, उनकी टंग अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, टंग में कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो ये ट्रीटमेंट देकर हम टंग के पेशेंट को ठीक करते हैं। फिंगर प्रेस, फिंगर प्रेस आ जाओ, फिंगर प्रेस का मतलब है, ये भी बैक पेन के लिए देते हैं, फिंगर प्रेस, जैसे मान लीजिए अगर इनको इस पैर में दर्द है या काफ असल में पेन है, तो हम ये चेक करना है, यहाँ ये पैर सीधा रखेंगे और इनके पॉइंट चेक करना है, यानी कि दो उंगलियों के बीच में प्रेस करना है, पूछना है कहाँ दर्द है। अगर मान लो इनमें से किसी पॉइंट पे इनको दर्द हुआ, और ये होगा जिनको काफ असल में पेन होगा या बैक में पेन होगा, तो मान लीजिए इनको यहां पेन है, तो जहां पेन है इनको कहना है एडी उठाना है, जितना मैक्सिमम ये एडी उठा सकते हैं उठा के रखेंगे, फिर वापस रख देंगे, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे, ठीक है। अगर मान लो इनको इन दो उंगलियों के बीच में पेन नहीं है, तो इन दो उंगलियों के बीच में पूछना है दर्द है नहीं, लेकिन जो पैर उठवाने वाला है ये हमने तभी करना है जब जिस पॉइंट में दर्द हो, ऊपर उठाइए नीचे। अगर इसमें भी नहीं मिला इनको, तो इन दो उंगलियों के बीच में देखिए, चेक करिए कहां दर्द है, ना? तो यहां दर्द है तो यहां उठवा दीजिए, नीचे, ऊपर, नीचे। अगर यहां पर भी नहीं मिला तो इनमें भी हो सकता है, ना? ये उठवा दीजिए। तीन बार ये करवाना है,
ये फिंगर प्रेस है, ये अंगूठी से आप कर सकते हैं, आपको दिखे इसलिए मैंने उंगली से करा है, आप अंगूठे से कर सकते हैं लेकिन हाथ से ही ये करना है। और 90% लोगों को इन दो उंगलियों के बीच में पेन आ जाता है, इन दो उंगलियों के बीच में पेन आ जाता है, यानी कि अंगूठे को यहां प्रेस करिए, ऊपर उठाइए, नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, तो ये 3 बार हम कराएंगे। तो ये फिंगर प्रेस ट्रीटमेंट है, फिंगर प्रेस ट्रीटमेंट भी हमारा ट्रीटमेंट है, यानी कि सेवा फाउंडेशन का पॉइंट है। इससे बैक में बहुत जल्दी आराम आता है, या काफ वर्सेस में अगर पेन नहीं जा रहा है किसी का, या एंकल का पेन नहीं जा रहा है, तो हमने एक पॉइंट ये दिया एक पेशेंट को, इतना जल्दी फर्क आया उनको और बिल्कुल उनका रिलैक्स हो गया। तो ये फिंगर ट्रीटमेंट है, हर पॉइंट बहुत सावधानी के साथ में, बहुत बारीकी के साथ में, बहुत सीखने के बाद में देना है, एक बार में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कम से कम हर पॉइंट को 50 बार जब आप देंगे तब जाकर आपको उस पॉइंट का मतलब समझ आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपने सीख लिए हैं, वर्टिगो पॉइंट था, एक लास्ट पॉइंट था, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर किसी को चक्कर आते हैं, किसी को चक्कर आते हैं तो नाक के बीचों बीच यहां आपने 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है, केवल इतना ही वर्टिगो पॉइंट था। यह एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल जानते होंगे, है ना, कि अगर किसी को चक्कर आ रहे हो या मिर्गी के दौरे पर जाते हैं कई लोगों को, उस समय पे इस पॉइंट को प्रेस करके रखेंगे तो मिर्गी के दौरे ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर सामान्य तौर पर इससे फर्क आ जाता है। न्यूरोलॉजी में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो उन पॉइंट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे 157 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इन वीडियोस को आप बार बार देखना और क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स, और फिर भी कोई डाउट लगता है तो हम फिर आपको क्लास में डिस्कस करेंगे और उस पॉइंट पर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद करता हूँ सभी का, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, केवल ध्यान करना सूचना का, जो डिप्लोमा के लोग हैं, जो दिसंबर में प्री डिप्लोमा अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों की क्लास बुधवार या गुरुवार को एक होगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।